नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ दोस्तों डेक्सोड्रम क्रीम का रिव्यू। दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपके साथ देंगे दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। अभी तक आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों डेक्सोड्रम क्रीम है दोस्तों, जो कि आपका एलर्जी संबंधी समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद है। जैसे इस त्वचा में, स्किन में फंगल हो गया, फफूंदी हो गया, दिनाव हो गया आपका, तो इस तरह की समस्या में काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। दोस्तों ये आपका जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, 15 ग्राम का ये आपका ट्यूब आता है प्लास्टिक का, में देख सकते हैं। इसका MRP 57 रुपये है दोस्तों, 57 रुपीज़ 75 पैसे हैं। और इस तरह का है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये आपका सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसको आसानी से खरीद करके आप जो है स्किन इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में खुजली हो गया, दिनाव हो गया, आपको गंभीर स्किन एलर्जी संबंधित समस्या है, तो आप बैक्टीरिया संबंधित समस्या है, तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी फायदेमंद है खुजली में, दिनाव में, दांत में, इस तरह की समस्याओं में, फफूंदी संबंधित समस्याओं में, आपको दाने हो गए हैं, लाल लाल नोचनी हो रहा है, तो आप जो है इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको यदि योनि के आसपास इन्फेक्शन हो गया है, जिसके वजह से फफूंदी हो गया, दाने हो गए, नोचनी हो रहा है, तो उसमें आप इसका उपयोग में ला सकते हैं। इसमें ओफ्लोक्सासिन और विंडाजोल मिलाया हुआ है, जो कि आपका एंटीबायोटिक है, काफ़ी फायदेमंद है बैक्टीरिया संबंधित समस्याओं में, काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। ओफ्लोक्सासिन और विंडाजोल जो है बहुत ही लाभकारी है, यदि बैक्टीरिया की वजह से आपको नोचनी हो गया, खुजली हो गया, तो इस तरह की समस्या में बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। दोस्तों इसका उपयोग जो है, आप जो है जिस जगह पर आपको खुजली है उसको साफ कर लें, इसको जो है सुबह शाम जो है आप लगा सकते हैं दोस्तों। कटे फटे जगह पर न लगाएं, जिस जगह से ब्लड आ रहा है उस जगह पर न लगाएं इसको, और जो है लगा करके इसको जो है छोड़ दें। और घाव हो गया है, कटे फटे चीज़ जगह है, छिला गया, तो उस जगह पे इसका उपयोग ना करें, बच्चे से दूर दूर रखें दोस्तों। याद है दोस्तों इसको नाक, कान, आंख, मुंह, इन सारी जगहों पर ना लगाएं दोस्तों, और बहुत ही लाभकारी है आपका। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।